हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरास को, जिसमें से पहला है कैनन का EOS RP और दूसरा है निकॉन का Z5। दोस्तों, ये दोनों ही कैमरा फुल फ्रेम मिररलेस के एंट्री लेवल सेगमेंट में आते हैं जो कि 4K से लेस हैं। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में कौन कौन सी खूबियां हैं और कौन सा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ये दोनों ही फुल फ्रेम मिररलेस कैमराज हैं जो कि 35mm का सेंसर यूज करते हैं। मेगापिक्सल की अगर हम बात करें तो कैनन का EOS RP 26 मेगापिक्सल का है, जबकि निकॉन का Z5 24 मेगापिक्सल का है। ये दोनों ही कैमरे EVF यूज करते हैं जो कि OLED स्क्रीन वाले हैं और साथ ही साथ LCD स्क्रीन यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मैं निकॉन को देना चाहूँगा, बिकॉज उनका जो EVF है वो भी अच्छे रेजोल्यूशन का है और जो स्क्रीन का साइज़ है, बैक स्क्रीन साइज़, वो थोड़ा सा बड़ा है। कैनन जहाँ सिर्फ 3 इंच की LCD यूज करती है, निकॉन वहीं 3.2 इंच की LCD यूज करती है। हालांकि रेजोल्यूशन दोनों की बैक स्क्रीन का सेम है। अगर हम बात करें इनकी LCD पैनल की, तो LCD पैनल में जो कैनन का EOS RP है वो 360 डिग्री आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में उसे रोटेट कर सकते हो। लेकिन जो निकॉन का Z5 है वो सिर्फ 180 डिग्री का टिल्टिंग एंगल स्क्रीन है। ये दोनों ही कैमरे आई ऑटो फोकस के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से निकॉन का जो Z5 है वो हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम यूज करता है, जिसमें 273 सेलेक्टिव पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जबकि कैनन का EOS RP ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम यूज करता है, जिसमें 4779 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको मिलते हैं। एक चीज का एडवांटेज मैं कैनन को देना चाहूंगा, वो है इसकी टच एंड ड्रैग फैसिलिटी। टच एंड ड्रैग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जो इसका EVF है उसमें देखते हुए भी अपनी जो बैक स्क्रीन है उस बैक स्क्रीन को एक जगह पर टच करते हैं और ड्रैग करते हैं, तो आपका फोकस आपके ड्रैग के साथ साथ फोकस आपका शिफ्ट होता चला जाता है। ये दोनों ही कैमरे वेदर सील्ड बॉडी के साथ आए हैं, जिसमें आप जो इनके लेंसेज हैं वो बहुत वाइड रेंज लेंसेज की यूज कर सकते हो। अगर मैं कैनन के EOS RP की बात करूं, तो ये कैनन की नई मिररलेस सीरीज R सीरीज का इक्विपमेंट है, जिसमें आपको RF लेंसेज नेटिव लेंसेज मिलेंगे। तो नेटिव में आप RF लेंसेज यूज कर सकते हो और एक एडाप्टर के थ्रू आप इनके जो EF लेंसेज हैं उनको यूज कर सकते हो, साथ ही साथ EFS जो कि क्रॉप बॉडी के लिए यूज हुआ करते थे वो लेंसेज भी यूज कर सकते हो। अगर मैं निकॉन के Z5 की बात करूं, तो निकॉन के Z5 में Z माउंट के लेंसेज लगते हैं जो कि इसके नेटिव लेंसेज हैं। इसके अलावा आप एडाप्टर के थ्रू यहां पर भी DX और FX दोनों सीरीज के लेंसेज यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके वेट की। वेट के मामले में मिररलेस ऑलरेडी मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए हैं, क्योंकि इनका वेट नॉर्मल DSLR से बहुत कम होता है। फिर भी यहाँ पर जो वेट की वॉर है वो बहुत बड़ी है, बिकॉज जो निकॉन का Z50 है वो 590 ग्राम का है विदाउट कार्ड एंड बैटरी, जबकि अगर आप कैनन की EOS RP की बात करते हो तो ये इंडस्ट्री में सबसे हल्का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है जो कि सिर्फ 440 ग्राम का है अगर आप बैटरी और कार्ड निकाल देते हो तो। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्टिल फोटोग्राफी से रिलेटेड फीचर्स के बारे में। जैसे अगर हम शटर स्पीड की बात करें, तो कैनन का EOS RP 30 सेकंड से लेके 1/4000 तक की शटर स्पीड आपको देता है, लेकिन निकॉन का Z5 इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये 30 सेकंड से लेके 1/8000 तक का आपको शटर स्पीड देता है। ISO रेंज की अगर हम बात करें, ISO रेंज के मामले में भी Z5 एक स्टेप आगे है, बिकॉज ये 100 से लेके 51200 तक का आपको ISO रेंज देता है, जबकि अगर आप EOS RP की बात करते हैं तो 100 से लेके 40000 तक का जो ISO रेंज है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके FPS की, कितना स्पीड आपको इसमें मिलेगी। जो कैनन का EOS RP है वो 5 FPS की स्पीड देता है और जो निकॉन का Z5 है वो 4.5 FPS की स्पीड आपको देता है। अगर हम बैटरी की बात करें, जो कि मिररलेस में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो कैनन का EOS RP आपको 250 शॉट देता है और जो निकॉन का Z5 है वो थोड़ा सा बेटर उन्होंने इसे यूज किया हुआ है, जहां पर वो लोग 390 शॉट्स क्लेम करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी वीडियो फीचर्स के बारे में। वीडियो की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है 4K पे। 4K यस, ये इन दोनों इक्विपमेंट्स में 4K है। अगर आप EOS RP की बात करते हो तो EOS RP 4K रिकॉर्ड करता है 24p पे, ये क्रॉप्ड 4K है, और जो फुल HD है वो आपको मिलेगा 60p पे। अगर हम बात करें निकॉन के Z5 की, तो निकॉन का Z5 भी 4K रिकॉर्ड करता है 30p पे, हालांकि ये भी एक क्रॉप्ड 4K है, और जो फुल HD है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 60p पे। आप देख सकते हो अप्रॉक्स बराबर ही एक ही जैसा 4K या फुल HD रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो के लिए एक बात बहुत
जरूरी हो जाती है और वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर हम कैनन के इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो कंपेटिबल लेंसेज के साथ 5 एक्सिस का डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन देते हैं, जबकि निकॉन 5 एक्सिस का ही इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन देता है जो कि सेंसर बेस्ड है। वीडियो रिकॉर्डिंग में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लॉग फाइल्स। तो ये दोनों ही इक्विपमेंट में आप लॉग फाइल्स यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही इक्विपमेंट 422 की 8 बिट कलर सैंपलिंग यूज करते हैं। बात कर लेते हैं इन दोनों की प्राइसिंग पे। प्राइसिंग मैंने इनकी जो इंडिया वेबसाइट्स हैं वहां से पिक की हुई है। तो कैनन का EOS RP 85,995 रुपीज का लिस्टेड है इसकी वेबसाइट पे MRP बॉडी ओनली, और जो निकॉन का Z5 है ये 1,13,995 रुपीज MRP बॉडी ओनली इसकी निकॉन इंडिया वेबसाइट पे मेंशनड है। यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग में डिफरेंस देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है EOS RP और Z5 के बीच में, लगभग 30,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स देखे थे, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं जिनसे हमको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा कि कौन सा इक्विपमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर हाँ आपके कुछ थॉट्स हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।